हरियाणा के खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि गांव के विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। क्षेत्र के बड़े गांवों को चिन्हित किया जा रहा है ताकि यहां शहरों की तर्ज पर शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं में विस्तार किया जा सके। खेल मंत्री संदीप सिंह गांव थाना में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए चौधरी किताब सिंह नंबरदार एवं सचिन नंबरदार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सचिन नंबरदार परिवार के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। उनके साथ सैकड़ों समर्थकों ने भी पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। खेल मंत्री संदीप सिंह ने विधिवत रूप से सभी को पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच के चलते थाना गांव में मॉडल संस्कृति स्कूल काफी समय पहले शुरू किया जा चुका है। गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के विस्तार के लिए जैसे ही पंचायत की तरफ से प्रस्ताव दिया जाएगा तो उसे सरकार से पूरा करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि यदि गांव थाना की पंचायत जमीन उपलब्ध कराती है तो यहां आधुनिक सुविधाओं से युक्त खेल स्टेडियम में ट्रैक तैयार किया जा सकेगा ताकि यहां के बच्चे खेल में आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि जमीन मिलते ही इस काम को तुरंत पूरा किया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों को 2 सितंबर को कैथल की अनाज मंडी में होने वाली भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली का निमंत्रण भी दिया। खेल मंत्री ने कहा कि रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित तमाम बड़े नेता शिरकत करेंगे। प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से यह रैली बेहद महत्वपूर्ण होगी। इसमें पिहुआ हल्के से हजारों कार्यकर्ता पहुंचेंगे। इस अवसर पर ग्रामवासियों द्वारा खेल मंत्री को श्रीराम मंदिर अयोध्या का स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में किताब सिंह नंबरदार, सचिन नंबरदार, पूर्व सरपंच राजेंद्र ऋषिपाल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता, रामकिशन दुआ, मंडल अध्यक्ष राकेश पुरोहित, नगर पालिका चेयरमैन आशीष चक्रवाणी, तरनदीप वड़ैच, रघुवीर फौजी, पूर्व सरपंच राजेंद्र सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामवासी मौजूद थे। किताब सिंह और उनके सारे सहयोगी सचिन भाई, सचिन भी हमारा आज पार्टी में हमारे साथ शामिल हुआ है, तो मैं धन्यवाद करता हूँ और वेलकम करता हूँ भारतीय जनता पार्टी में इनका। और हम सब मिलकर अब आगे बढ़ेंगे। पहले भी थाना के लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के सभी जो है हमारे चाहे सरपंच हैं, हमारे जो आसपास के लोग हैं जो भी यहाँ की प्रगति की तरफ काम कर रहे थे, अब सब मिलकर और आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में हम थाना को और आसपास के एरिया को और पेहराल कर आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी की रैली है कल सुबह 10 बजे कैथल में नई अनाज मंडी में। मैं सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पेहवा वासियों को, सभी कुरुक्षेत्र जिले के वासियों को अपील करता हूं कि 10 बजे वहां पर पहुंचे और माननीय जेपी नड्डा जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी वहां पर आएंगे तो सब वहां पर उनसे रैली में संबोधित करेंगे तो जरूर पहुँचेंगे। खबर हरियाणा के लिए पिहोवा से अभिषेक पूर्णिमा की रिपोर्ट।